जी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू थिंग्स एज फार एज यूट्यूब इज़ कंसर्न। और जितने भी जो नए लोग हैं जो शुरू करना चाहते हैं, जो वांट टू लर्न, के उनके लिए एक मैसेज है। और मैं खुद भी नया हूँ, खुद मैं पुराना नहीं हूँ। और उसके लिए है कि हमेशा याद रखेंगे आपको, इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपकी जितनी अच्छी रिसर्च होगी, जितना अच्छा कंटेंट होगा, उतना अच्छा आप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी टॉपिक ले लें, किसी भी चीज़ के ऊपर। मोस्टली हम चीज़ क्या सुनते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, और पहली चीज़ क्या कि हम उस भागते साथ ही वो चीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सो वट वी नीड टू डू इज़ आप उसको प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, देखें, पढ़ें, स्टडी करें। अगर यू फाइंड समथिंग तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। नंबर एक, नंबर टू, जब आपका चैनल ग्रो कर रहा होता है तो आप उसके बाद आप देखें जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, दोस्त हैं, जिनको आप नहीं भी जानते हैं, तो टेक देम अलॉन्ग, ठीक है। उनके चैनल्स को इंट्रोड्यूस करें अपने चैनल्स के अंदर, उनको उनके बारे में बताएं थोड़ा सा, सो एटलीस्ट लोग उनको भी फॉलो करेंगे। सब्सक्राइब इशू क्या है, नहीं मेन इशू है सब्सक्राइबर्स का, टाइम लगता है क्योंकि आपकी वीडियोस अप्रोच करने में टाइम लगेगी ना। आप ईबे या अमेजोन के ऊपर भी काम शुरू करते हैं तो आपकी चीज़ें फ़ौरन सेल डेफिनेटली होती हैं, लेकिन टाइम लगता है आपके अकाउंट के ऊपर आने में। तो ये भी उसी की तरह का एक प्लेटफॉर्म है, एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है। तो आप इस फैमिली को फैमिली की तरह अगर हम लेके चलेंगे, डेफिनेटली कोई इशू नहीं होगा। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं नए हैं स्पेशली, वो सब्सक्राइब करेंगे और फिर दिन आप उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब अनसब्सक्राइब करते हैं तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, आपको ना सब्सक्राइब करने के ना अनसब्सक्राइब करने के पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आती आपको इसका क्या मिलता है, क्या आपको फ़ायदा है इसकी, क्या आप व्हाट यू गोना गेट आउट ऑफ इट। ये चीज़ को आपको ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आपको एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। और दूसरी ये क्या चीज़ है कि आप हमेशा जो प्रॉब्लम है वॉच टाइम का है, प्रॉब्लम है सब्सक्राइबर्स का है। अब वॉच टाइम का जो इश्यूज है, आप मेरी वीडियोस देखें, वो मैंने डिस्कस की हुई हैं, बताया हुआ है कि आप खुद उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पास सब्सक्राइबर्स का इशू है, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। जब आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो उसके साथ क्या है कि आपको आपके कंटेंट को लोग देख के ज़्यादा आपको ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं भी हम स्टिल इन लर्निंग फेज, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि जितने मैं लोगों को साथ लेके चल सकता हूँ मैं कोशिश पूरी करूँ। मेरे अगर एक सब्सक्राइबर है, 1,000 है, 2,000 है, 10,000 हो जाता है या 1,00,000 हो जाता है, तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बिकॉज देयर मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन फैक्टर किसी के लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, किसी के लिए भी। तो जितना अच्छा मोटिवेशन फैक्टर होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे, उतना अच्छा काम करेंगे और आपका दिल भी करेगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको मिलकर एक फैमिली की तरह, एक टीम की तरह चलना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ जो नया यूट्यूबर है उसके लिए थोड़ा सा होता है कि मिक्स एंड मैच, उसको काम करना पड़ता है। मिक्स एंड मैच का क्या है? मिक्स एंड मैच है थोड़ी सी ऐप्स का यूज़ कर लिया, कंटेंट बहुत अच्छा कर लिया, वीडियो को कोशिश किया, लोगों से बात की, वायरल करने की कोशिश की, ठीक है। फ़ौरन तो ऐसे वायरल हो नहीं जाती है ना, आपको थोड़ा सा यू नीड टू सी योर फ्रेंड्स, आपके जो कलीग्स हैं, जो जानने वाले हैं या जिनसे ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करते हैं, तो ऐसा ऐसा चीज़ वो चलती है। जितना वो चलेगी उसी तरीके से यूट्यूब भी उसको चलाएगा, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा रिसर्च के साथ होना चाहिए, आपको हवा में नहीं बात करनी चाहिए। ये एक तो बहुत चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि जब भी आप सब्सक्राइबर्स में ग्रुप्स में जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपको एक दूसरे का आइडिया होता है, पता लगता है, ठीक है। अपनी वीडियोज़ शेयर करें उनके साथ, वो आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको कुछ बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड। जब आप बात करेंगे किसी के साथ, इंटरेक्ट करेंगे, डेफिनेटली उसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अब मैं आपके साथ ये भी एक, ये सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब है टू इंटरेक्ट विद यू, आपके फेस टू आप फेस देखते हैं, आप जानते हैं पीछे कौन आदमी जो इसके ऊपर काम कर रहा है, जैसे भी है। दैट्स द ओनली रीज़न के जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे इसको ले कर चलना है, कैसे काम करना है। आप मेरी वीडियोज़ देखें वॉच टाइम की, सब्सक्राइबर्स की। सब्सक्राइबर्स ऐप्स के थ्रू कभी भी मत लें, सब्सक्राइबर्स ऐप के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो आप व्यूज़ को करें, ठीक है। व्यूज़ इज द ओनली थिंग, लाइक भी ना करें, लोग उसको चेंज कर देते हैं। व्यूज़ तो जिसने एक मिनट देख लिया उसको रिवर्स तो नहीं कर सकता ना, वो व्यूज़ का ऑप्शन उसको सिर्फ ट्राई करें। ऐप्स में सब्सक्राइबर मत लें, सब्सक्राइबर्स आप ग्रुप्स में जाएँ, फेसबुक पर जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाएँ, इंटरेक्ट करें दूसरे के साथ, वहाँ से लें। और ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो कम अज़ कम एक मिनट की ज़रूर देखें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, ठीक है। एक मिनट की वीडियो देखें, जिसकी भी आपने देखनी है एक मिनट की वीडियो देखें, उसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसके चैनल को आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी पार्ट ऑफ इट, और इसको आप साथ लेके चलें। आप होप कि यू विल लाइक इट, ठीक है जी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, सिर्फ इंटरेक्ट करना था आपके साथ। थैंक यू, कैच यू नेक्स्ट टाइम, बाय।